और गाइस अभी मेरा ही तबीयत थोड़ा असकरा आ रही है क्योंकि कल खाना नहीं खाया हूँ और खाना अच्छी तरह से खाना नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा सर दर्द हो रही थी, सर दर्द हो रही है, ये वाला पूरा एकदम ऐसा ऐसा हो रही थी। अभी हम लोग जा रहे हो कुछ ख़रीदने के लिए, लला और कलकत्ता का सामान लेने के लिए, और अभी जा रही हूँ मैं जल्दी जल्दी। कल ना बहुत वोमिटिंग हो रही थी और बहुत ही दही का प्रॉब्लम शुरू हो गई थी मेरे को सर दर्द की वजह से। और अभी दुनिया कैसे दे रही, देखो ये ना रास्ते से जो भी लुदा थी उसको जो उसको काटने के लिए जो हम लोग जाते हैं ना, हम लोग जब नहीं रहती हूँ तब वो कुछ प्रॉब्लम खड़ी नहीं करती है। जब हम लोग किसी रास्ते में जाते रहेंगे वो कोई आएगी तो उसको काटने के लिए पर गाइस मैं गोपाल को भूख लगा दिया, लेकिन अभी क्या हुआ है, थोड़ा मछली लेकर आए वो खाने के लिए हम लोग, और थोड़ा घर से ये टिंगा भेजा था और इसके साथ ही बनाऊंगी पिठागुड़ी के साथ, ये ट्राइबल का खाना है। और अभी ये कितना सारा गंदा मसा के रखा दिया बासन को, पर वो तो कभी भी मेरे को हेल्प नहीं करती है। और वो दिख रही है वाल वाल बहुत ख़राब हो गई है। और क्या है, कल आप लोगों को ये वीडियो कल आप लोगों के साथ शुरुआत करूंगी फिर से, क्योंकि आज ब्लॉग बनाना मन नहीं किया क्योंकि तबीयत रसनक सनक से ख़राब हो जा रही है। डिजर्ट का खाना का अभी यहाँ पर मैंने तैयार किया ये अंडे कनी का, मछली का अंडे, उसके साथ प्याज, ये एक सब्जी है, और यहाँ पे मैंने बनाई मांस, और उसके साथ साथ यहाँ पे मांस है, मांस के साथ मांस देंगे। और गैस अभी क्या हुआ ना, मेरे को अचानक से मुझे याद आया मेरा कपड़ा, जो कॉलेज का कपड़ा है वो मैंने इसी वगैरह करके रख दूँ क्योंकि मॉर्निंग टाइम मुझे जल्दी 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 जाना है कॉलेज। और लेट्स गो आप सभी को, और अभी मैं जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर दिया हूँ खिचड़ी प्रेशर कुकर में, क्योंकि अभी 9 बजे से 5 बजे तक एग्जाम है, कुछ खा सॉरी क्लास है, कुछ खा कर जाना पड़ेगा क्योंकि अटेंडेंट के बाद 3 डेज मेरा अनकंटिन्यू हो गई है और अभी जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। लेट्स गो। मॉर्निंग टाइम ना मेरे लिए उठने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बहुत ही टफ काम ही है मेरे लिए कॉलेज जाना। हे गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। अभी मैं जा रही हूँ मेरी कॉलेज क्योंकि कॉलेज जाना ज़रूरी है मेरे लिए, और लेकिन बहुत टाफ भी है। और अभी जब कॉलेज जाती हूँ ना, कितना बड़ी सूरज निकल आती है, बहुत डर लगता है क्योंकि सडर की वजह से। और अभी भी बड़ा सो रही है, उसको खोल रही हूँ कि मुझे छोड़ के आना। थोड़ा मैंने खिचड़ी खा लिया था अंडे के साथ, और फिलहाल अभी मेरे तैयार हो गई हूँ, अभी बाबू बेटा के लिए रुक रही हूँ। लेट्स गो। आप लोगों को दिखाऊंगी कॉलेज में, तो वीडियो नहीं बना सकती हूँ लेकिन मोबाइल अंदर रखना पड़ेगा कॉलेज में, जब फिर लौट आऊँगी आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगी। मैं ना बहुत सारे फ्रेंड है, लेकिन मेरे मेरा एक ही फ्रेंड है मेजबिन, उसके साथ मैं रहती हूँ, और जहाँ मैं कॉलेज जाने के बाद कभी भी रूम से नहीं निकालती हूँ क्योंकि मेरा ऐसे छोटा छोटा बच्चा लोग डाबरी छोटा छोटा है। और इसके साथ साथ मेजबिन के साथ ही मेरे बननी ऐसा नहीं है, मेजबिन के साथ ही मैं बात करती रहती हूँ। और अभी फिलहाल मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा, वो आ रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, 9 बजे से क्लास है, अभी आन पास कर 30 मिनट हो गई ऑलमोस्ट, थोड़ा लेट जाऊंगी आज, कोई बात नहीं। गाइस अभी मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के साथ मेरे रूम, क्योंकि वो मेरे रूम में जाकर कुछ डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन करेगी, और इतना ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से ना हालत टाइट हो जाती है मेरे को। और अभी बाबू बेटा ने बोला है कि मैंने मॉर्निंग टाइम खिचड़ी बना कर चली आई थी, लेकिन वो बोला है कि अभी कुछ खाना पीना कुछ नहीं बनाई है, मुझे जाकर बनाना पड़ेगा। और रूम में जाकर आप लोगों को मिलूँगी, वो स्कूटी निकालने के लिए गई है, कॉलेज का नियम है 1.5 बजे तक कॉलेज में रुकना पड़ेगा। गाइस क्या होती है, आज तो कॉलेज का 2 क्लास का करके चले आई, 5 क्लास थी, लेकिन कॉलेज का अभी नाग आ रही है ना, इसकी वजह से अभी कॉलेज का टाइम, गाइस कॉलेज का नाग आएगी ना, नाग आने के बाद ही कॉलेज का पूरा कॉलेज का रूटीन, डेली रूटीन जो वो ख़त्म करेगी क्लास। लेकिन यही प्रॉब्लम होती है, मैं जब कॉलेज चले जाती हूँ मेरे लला के लिए भूख लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, लला को ऐसे ही छोड़ के जाती हूँ। और लेकिन अभी मेरा जो एक फ्रेंड आई थी रूम में मैं, लेकिन उसको साई भाई खिला कर वो चली ली गई, क्योंकि कुछ काम था, कंप्यूटर का काम करने के लिए आई थी, डॉक्यूमेंट निकालने के लिए आई थी। और रुपये बनी थोड़ी बैठ कर बाहर की बनेगी, आपको डेढ़ के बाद मिलूंगी। यहाँ पर मुझे लेकर आएगी एक पेटीएम गठन करने के लिए, जो बकरी को रिपीट आ रही है, उसको गॉड का बहुत टाइम रिपीट आती है।
गाइस अभी इवनिंग का टाइम, मुझे जाना जाने के लिए मन कर रहा है, जाने के लिए नहीं, अभी जो रूम में ही एक घोड़ा ने किटिंग पकड़ करने के लिए बकरी को लेकर आई थी, उसको किटिंग पकड़ने से कुछ हो गई है। उनको बोला कि दोबारा हित में आएगी, उनको फिर से जो बुल्ड करने के लिए बोली, क्योंकि वो मिनिमम 9 मंथ के बाद अभी हित में आई, इसकी वजह से ताज़ा है उसका। वरना को लगा कि यहाँ पर बुल्ड नहीं है, इसलिए जो इंजेक्शन नहीं लगा लूँ। और अभी हम लोग जाऊँगे थोड़ी बाहर कुछ गुमिटे का भूख वगैरह लेने के लिए, और थोड़ा सा रही मेरा आँख लाल लाल हो रही क्योंकि नींद आ रही थी। लेकिन अभी टाइम कितना फिलहाल टाइम हो गई है 5:59। अभी मुझे वीडियो भी एडिटिंग करना है, बहुत सारे काम बाकी थे। उस टाइम मेरे फ्रेंड आई थी रूम में, लेकिन अब वो दिखाने के लिए भूल गई क्योंकि उनका भूख लग रही थी। मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाई और वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखते हैं, दिखाने के लिए कोशिश करूँगी आप लोगों को। और गाइस अभी हम लोग निकल पड़ी हूँ मेरी लला का कुछ भूख वगैरह लेने के लिए। और ये मैच भी ना पूछ रहे ना कि बाहर माइल लेने लोगों को भी दिखाऊँगी आकर। रात का टाइम हो गई है बहुत ज़्यादा, খালি ৰাতিপুৱাই ক্লাছ কৰিব যাব লাগে, এতিয়া সেইকাৰণে তোমালোক গোটেইটো ভুল যাব, লাইটটো অফ কৰি দিলে ৰাখি যাওঁ। सिरारे और अभी मैं आया हूँ मेरे गोपाल के लिए भूख लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे खाने के लिए मन किया आइसक्रीम, लाला के लिए थोड़ा मिठाई ले लिया खाने के लिए, और लाला थोड़ा गुस्सा है मेरे को। और यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा रही हूँ क्योंकि इतना गर्मी लग रही है। बाबू बेटा बोले बाबू बेटा का थोड़ा खांसी हो रही है, इसलिए बाबू बेटा नहीं खाएगी, मैं ही खा रही हूँ। और ये ख़त्म कर पाऊँगी कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि ये 60 रुपीज़ के मैंने इसको खरीद कर अभी पूरा खाने के लिए। बाबू ने बोले गए तुम खाने के लिए खाना भी नहीं जानती हो, आंटी से बोले नो ऐसा 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 कर रही है। मुझे थोड़ा डांट रही है, कोई बात नहीं, अपना खुद का कोई पर्सन अपना खुद को डांटते है तो अच्छा लगती है। और मैं जाऊंगी अभी रूम, आप लोगों को रूम पे मिलूंगी। गैस ना अभी मैं गोपाल के लिए तो भूख लेकर आ गई हुई है, अभी मेरे को वीडियो वगैरह एडिटिंग करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा लाइट नहीं है, लाइट को थोड़ा पावर बढ़ा लो। और थोड़ा थोड़ा फोक हो रही है बाबू बेटा गई है उसके फ्रेंड के साथ, कितना टाइम दिन भर मेरे साथ ही ढूंढी रहती है वो मेरे साथ, मैं उसके साथ दोनों ही ब्रेस्ट फ्रेंड की तरह हूँ हम दोनों, बाबू बेटा और मैं ना दोनों ब्रेस्ट फ्रेंड की तरह हूँ, दोनों घूमती रहती हूँ। लेकिन अभी मैंने सभी अंदर तो रख दिया था, अभी मेरे को लला रूम में ही रुकना पड़ेगा। बाबू बेटा आने के टाइम पैक्ड, आने के टाइम पर भी, क्योंकि अभी मुझे साबी नहीं मिल रही है, जो एक साबी था उसको मैंने उस रूम में छोड़ के चले गया, छोड़ दिया था वहाँ पर ही। और अभी क्या हुआ था, कल जब जाती हूँ ना मेरा बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ऐसा होती है मेरे लाला लाला लाली का भूख लगाना टाइम, अब मैंने इसका प्रॉब्लम ये आ गई बैठ के देखो रूमियो, और मेरा थोड़ा प्रॉब्लम होती है लेकिन क्या करूँ। मेरा जो सर्टिफिकेट लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इतना भी ज़्यादा नहीं है मेरी लाला का भूख का मेरे को, क्योंकि लाला को मैं बोल के गई थी उसका सामने ही मैंने भूख देकर लाला को बताया, क्योंकि ना लाला इतना छोटा सा है, उसको मैंने मॉर्निंग टाइम सुबह मॉर्निंग 7 बजे उठाने के लिए मेरी दिक्कत होती है, इसकी वजह से मैंने उनको सोला कर चली जाती हूँ लाला को भूख लगा। जब 10 बजे से क्लास होती है ना मैं पूरा एकदम ख्याल रखा हूँ रखती हूँ लाला का, और इतना भी मैं ख्याल नहीं रखा ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन लाला को नहाना है धोने का बहुत पसंद है लाला को, इसलिए मेरे को भी बहुत अच्छा लगती है। लेकिन आज दिन भर सो रही है क्योंकि उसको मैंने भूख देकर चली गई थी, और उसके साथ साथ मुझे लगा कि लाला को नहीं उठाऊँ क्योंकि लाला को थोड़ा नींद और थोड़ा टाइम लगेगा, और इसलिए मैंने लाला को ऐसे ही भूख देकर चली गई थी। और आया साथ में मेरा फ्रेंड भी आई, उसको खाना पीना खिलाकर सोना पड़ा, और उसके बाद अभी ये टाइम हो गई है। और अभी लाला को मैं भूख लगा लूँ, थोड़ा स्नान करा दूँगी लाला को क्योंकि उसका बहुत गर्मी लग रही है। और इस वीडियो को यही बैन कर रही हूँ, और सभी को राधे राधे है, लाड से लाफ, राधे राधे।